कहने में क्या क्यों खोलिए जी, आप ये लिख लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप नंबर लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नंबर मुझे क्या करना है नंबर को, आप रख लीजिए, कोई नहीं आपको मैं नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मतलब पे नहीं करूँ आपको, नहीं नहीं कोई, इट्स ओके आपकी मैंने हेल्प। तो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम आए हैं न्यू दिल्ली। गाइज मेरा फ़ोन जो था वो सुबह से डेड पड़ा था, तो जिसकी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। तो अभी मैं यहाँ पर फ़ोन चार्ज किया, तो उसके बाद मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ। गाइज अभी हम आपके पास आपको लेकर आएंगे यहाँ पर जामा मस्जिद के पास आए हैं। तो चलते हैं हम गाइज, क्या कि जो भी गाइज जो भी चैनल पे न्यू है तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो पुराने हैं उनका भी यही प्रोसेस है, वो भी वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गाइज अभी हम जस्ट यहाँ पर गए थे नून चाय पीने कश्मीरी होटल पे, यहाँ पर जो क्योंकि तो यहाँ पर गए थे हम अभी नून चाय पीने, क्योंकि नून चाय इज द सीक्रेट ऑफ एवरी कश्मीरी एनर्जी। अच्छा गाइज चलते हैं यहाँ पर अंदर मीना बाजार, आपको हम मार्केट के अंदर से लेंगे। सो गाइज हम यहाँ मार्केट से अंदर आए हैं, मार्केट में काफ़ी रश है, तो अब यहाँ से हम जामा मस्जिद जाएंगे, तो आपको जामा मस्जिद का भी एक शॉट दिखा देंगे थोड़ा। तो देखते हैं मार्केट में क्या रश रहता है। गाइज देखिए कितना रश है यहाँ पर, ये जो मार्केट है ना मीना बाज़ार कहते हैं इसको, यहाँ पर हर चीज़ की चीज़ें मिलती है, हर टाइप की चीज़ें मिलती हैं, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कुछ। ये जो मार्केट होती है ये फुल पूरा मतलब भरा होता है पूरा ये मार्केट, बहुत ही शाम के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है यहाँ पर गाइस। तो चलते हैं हम आगे, बहुत रश है गाइस यहाँ पर, खीरा भी है, खीरा भी खा सकते हैं, तो पाइनएप्पल वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तो फर्स्टली यहाँ पर गाइस बता दूँ बहुत रश है, तो हम फिलहाल इस मार्केट को छोड़ के हम अंदर जाते हैं। सीढ़ियाँ बहुत ही साफ सीढ़ियाँ हैं गाइस, यहाँ पर हम पहुँचे हैं, यहाँ पर मिल रहा है ठंडा ठंडा शरबत, ठंडे ठंडे शरबत से नहाना चाहिए, नहीं वो था शरबत नहीं, वो था ठंडे ठंडे शरबत को पीना चाहिए, वो था ठंडा ठंडा पानी से भी एक ठंडे ठंडे शरबत से नहीं नहीं वो तो था ठंडा ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हाँ ये था। गाइस शरबत हो गया है रेडी, गाइस यहाँ पर अजान हो चुकी है, मगरिब टाइम हो चुका है, तो थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि नमाज का टाइम है, थोड़ा नमाज पढ़नी है, तो मैं इसी बहाने आपको अंदर दिखा दूंगा थोड़ा सा। तो चलते हैं हम जल्दी जल्दी, काफ़ी रश है यहाँ पर। ख़त्म हो चुकी है, तो जस्ट मुझे अभी जल्दी पहले नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाऊंगा। तो जमात अभी शुरू होने वाली है, मैं अपनी स्लीपर को यहाँ पर रख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जमात के बाद आगे शोर दिखाता हूँ थोड़ा सा। सो गाइस देख सकते हैं नमाज हमारी ख़त्म हो चुकी है, मुकम्मल हो गई नमाज। तो गाइस ये अंदर का व्यू है मस्जिद का, देख सकते हैं आप
इतनी ब्यूटीफुल मस्जिद है, ये बिल्कुल ये पत्थरों से बनी हुई है मस्जिद। तो ये मुग़लों के टाइम की जो मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है यहाँ दिल्ली की, सबसे बड़ी मस्जिद है। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो मैंने तो मुकम्मल कर ली नमाज, तो मैं आपको थोड़ा अभी इस टाइम जो बाहर से लुक दिखता है मस्जिद का, वो बिल्कुल एक अलग तरीके से दिखता है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो हम ये अंदर का लुक है, छत है मस्जिद की, मैं आपको बाहर का लुक दिखाता हूँ थोड़ा। ये मस्जिद का वरांडा है, जो वरांडा होता है कि ये वही है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि नो टूरिस्ट आर अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो यहाँ से आगे कोई टूरिस्ट आगे नहीं जाता है, क्योंकि वो आगे नमाजियों का होता है। तो टूरिस्ट यहीं तक आ सकते हैं, खाली इस एरिया तक, जहाँ तक ये आप टाइलें देख रहे हैं। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, सिर्फ साया ही नज़र आ रहा है मुझे अपना। देखो यहाँ पर अभी कितना मतलब देख सकते हैं कितनी पब्लिक है, बस ये लास्ट 9 बजे तक ही होगी पब्लिक, उसके बाद पब्लिक को यहाँ से जाना होगा क्योंकि मस्जिद का गेट बंद हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब जो मस्जिद है मेरे पीछे, उसमें अभी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लाइट्स ऑन की हुई हैं। तो थोड़ा आगे जाके मैं पीछे मुड़ता हूँ, क्योंकि ऐसे दूर से दिखेगी नहीं, बिल्कुल सामने से नहीं दिखेगी, दूर से अच्छी दिखेगी। जो भी निकल गए तेरे छोटे कंपनी, क्या हुआ, किसने लिया? अच्छी निकल गया बड़े भाई, बस लेकर गया बड़े जी, ये फ्री 50 रुपये चुनाव बड़े भाई। आपके पास फोन पे वगैरह है क्या? नहीं भाई, फोन नंबर है भाई ये, अभी एक भाई और मिले थे, तेरा फोन पे कर दूँ। मैंने देखी है, आप मेरे फोन की कंडीशन देख लीजिए, क्या होगा क्या वो फोन पे लूँ। चलो देखो मन वाले भाई, तो मन वाले मैंने भी बहुत हेल्प करी यहाँ नहीं दिल्ली में, क्या दिल्ली से बाहर भी करी ऐसे आपको। मैं शर्म आती है थोड़ी सी, असल में लेडीज जिनके साथ जी ना, कोई बड़ी शर्म आती है मुझे कहने में, क्या क्यों बोले जी। आप ये लिख लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप नंबर लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नंबर मुझे क्या करना है, नंबर को आप रख लीजिए। आपको मैं नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मतलब पे नहीं करूँ आपको। नहीं नहीं कोई, इट्स ओके इट्स ओके, आपकी मैंने हेल्प की ना, कोई बात नहीं, हेल्प के तौर पे मैंने कुछ आपको उधार थोड़ी दिया। आप भी लीजिए, आपको नोएडा जाना है ना, यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो मिल जाएगी ना आपको, मेट्रो मिल जाएगी, हाँ आराम से आप चले जाइए, कोई बात नहीं। अब थोड़ा चोरी वोरी का ध्यान रख लेंगे, किसने मतलब पर्स ही ले लिया किसी ने? भाई ज्यादा नहीं थे जी, 3700 रुपये थे भाई, 3700-3800 बहुत होते हैं, और उसमें मेरे मेट्रो कार्ड में 100 रुपये थे भाई। कोई बात नहीं, आप ले जाइए, आप घर तो पहुँच जाइए पहले आराम से। हाँ वो जो गया वो वापस नहीं आने वाला, किससे क्या बोलूँ, रोने से कोई बात नहीं है भैया, आप ले जाओ, आप आराम से घर चले जाओ। अच्छा भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, इंशाल्लाह। मैं नाम मोहम्मद शारी हूँ, सलामत दो बहने जी जी, पीरम नीदा पति भाई, अल्लाह सलामत रखे, आप आराम से। गाइस ये जो बंदा था, देखो यहाँ पर मतलब कितनी चोरियाँ होती गाइस, बिल्कुल मतलब कैसी ह्यूमिनिटी है यहाँ पर, मतलब इंसान को मस्जिद में भी नहीं बख्श दिया, मस्जिद में भी चोरी कर ली। तो गाइस देख सकते हैं आप, थोड़ा मैंने इसके हेल्प के तौर पे जितना मेरे से हो सका मैं खुद दे दिया, मैंने ज़्यादा मैं दे नहीं पाया। तो बाकी आप देख सकते हैं, आप छोड़ो, देख सकते हैं आप इस लुक को, देख सकते हैं आप जो मस्जिद का है, इस टाइम पर बहुत सुंदर लगती है मस्जिद। देखिए आप, तो जो ये पानी देख रहे हैं आप, यहाँ से वज़ू करते हैं गाइस, तो यहीं पर वज़ू करते हैं, उसके बाद फिर अंदर मस्जिद में नमाज़ के लिए जाते हैं सारे नमाजी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ से मस्जिद का व्यू है, को पब्लिक भी अभी बहुत है गाइस, दिन में बहुत रश था यहाँ पर, क्योंकि मैं आज लगभग सुबह से ही यहीं था, मतलब कोई सुबह नहीं, मतलब दिन से दोपहर से यहाँ था 3 बजे से, तो उस टाइम भी काफ़ी रश था उस टाइम, अभी तो पब्लिक कम हो रही है, इस टाइम अब गेट बंद होने वाला है तो शायद पब्लिक जा रही है। गाइस ये है हमारा, तो यह जो था हमारा आज का, यहीं पर इस व्लॉग को करते हैं। गाइस अभी मैं दिल्ली में काफ़ी दिन तक रहूँगा शायद, तो अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा क्या काम है उस हिसाब से, तो
तो शायद इंशाल्लाह हम नए नए व्लॉग्स लाएंगे। और गाइस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते गाइस, बस ऐसे ही आप स्किप कर लेते हैं वीडियो को, पार्ट स्किप कर लेते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट आपसे मिस हो जाते हैं। फिर अगर वीडियो को ना पूरा देख लीजिए करें, और इससे क्या होता है कि थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट भी रहता है और मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट बनता है व्लॉगिंग करने में। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो मुझे बिल्कुल नॉन इंटरेस्ट हो जाता हूँ मैं। तो इंशाल्लाह हम अच्छे अच्छे और भी व्लॉग लाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है आगे। तो आप चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी है नए तो उनको ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब करने को। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। सो होप, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।